कॉर्ड जो होता है वो एक भ्रूण का लाइफलाइन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो अपने मदर के साथ अटैच होता है एंड उसी से बच्चे को जो है न्यूट्रिएंट्स मिलती है। तो इस एम्बिकल कॉर्ड एक ट्यूब टाइप का होता है अंदर, जिसके 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होते हैं। ओके, तो गले में ये फंस जाना, पेट के अंदर बच्चे के एम्बिकल कॉर्ड जो होता है वो फंस जाना, ये बात जो है बहुत ही माँ के लिए चिंतित विषय होता है। हर माँ के लिए, जो पहले बार प्रेग्नेंट हुई है उसके लिए भी और जो सेकेंड बार हुई है उसके लिए भी, क्योंकि ये हमें खुद तो नहीं पता चलता बट किसी से सुनकर या फिर यूट्यूब में देखकर हम बहुत ज़्यादा सावधान होने की कोशिश करते हैं कि हमारा बेबी जो है वो सेफ रहे, एम्बिकल कॉर्ड उसके गले के अंदर ना फंस जाए। तो ये सिर्फ पता चलता है यूएसजी कराने के बाद ही डॉक्टर हमें बताते हैं। ओके, देखिए हर बच्चे का जो है एम्बिकल कॉर्ड एक जैसा लेंथ नहीं होता है, किसी किसी बच्चे का जो है बड़ा होता है और किसी किसी बच्चे का नॉर्मल मीडियम होता है। तो ये बच्चा पेट के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लगता है तब ये किसी तरह से फंस जाता है। ये बच्चा खुद ब खुद घूमकर फिरकर ही ये गले से फंसा हुआ ये खुल जाता है। इसके लिए आज तक किसी ने नहीं सुना कि ये गले में फंसने के बाद कुछ भी करके इसको निकाला जाए, बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये बच्चे का काम है, बच्चा खुद ब खुद इसे जो है फंसा लेता है और खुद ब खुद खुल भी जाता है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिविटी अंदर करता रहता है, तो ये जैसे फंस जाता है आराम से वैसे खुल भी जाता है। तो बहुत बहुत टाइम ये क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और ये हमें डॉक्टर से पता चलता है यूएसजी करवाने के बाद, और मदर जो है सावधान होना चाहती। देखिए माँ चाहे कितनी भी सावधान हो पर पेट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए बहुत माँ जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होती है कि फंसने के बाद क्या होगा। देखिए बच्चा जो है गर्भ के अंदर सांस अपने नाक से नहीं लेता, ठीक है ना, ये बात क्लियर कर देती हूँ, बहुत माँ को नहीं पता होगा शायद। देखिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बच्चा गर्भ के अंदर नाक से सांस नहीं लेता, वो एम्बिकल कॉर्ड के सहायता से ही जो है सांस लेता है। तो अगर गले में फंस भी जाए ना, तो इससे कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं होता, जब तक, बात गौर से सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता जब तक गले में 3-4 दूसरा तीसरा डबल ना अटक जाए, मतलब फंस जाए गले में, तब तक बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता। और वो एम्बिकल कॉर्ड जो होता है, मैंने जो पहले बताया आप लोगों को कि एक ट्यूब जैसा होता है, अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ना दब जाए तब तक बच्चा सेफ रहता है, आराम से सांस भी ले पाता है एंड उसे अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स भी मिलती रहती है। वो ब्लड वेसल्स अगर वो दब गया, अगर वो दब जाता है बहुत ज़्यादा गले में बहुत दबाव की वजह से, अगर वो दब जाता है तब जो है बच्चे को प्रॉब्लम होती है, मतलब तब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर न्यूट्रिएंट्स पहुंचने में तकलीफ होती है, तब जाकर बच्चा जो है सांस नहीं ले पाता है। अदरवाइज अगर वो फंसता भी है, एक फरता अगर फंस गया तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं होता। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये डॉक्टर ही हमें बताते हैं कि ऐसा हुआ है, अगर आपका गर्भ जो है 9वां महीना चल रहा है या फिर 8 खत्म होने पर है, तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा फंस गया है, अगर यूएसजी में पता चलता है, तो डॉक्टर्स अपनी तरह से कुछ डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज इसके लिए कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मदर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है और डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है, जब तक कि बच्चा आपका छोटा है, इनमेच्योर है। ओके, तो आशा करते हैं मदर्स को बहुत अच्छे से समझ आया, ये कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। बच्चा खुद एक्टिविटी करता रहता है, ये फंस जाता है फिर ये खुद से ही खुल जाता है।